मस्तानी मद हो। जय कांचिक रे आली रे आली अतक तुझे भारी आली मन भवर उठे तन आपके पांव देखे बहुत हसीन है इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा मैले हो जाएंगे आपका एक हम सफर आपके पांव देखे बहुत हसीन है इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा मैले हो जाएंगे आपका एक हम सफर तुम्हें हमसे और मस्तानी से काफी शिकायतें होंगी पराए लोगों से क्या शिकायत करें खाओ तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते हम आपको खुशी खुशी दे देते पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया नाम क्या है तुम्हारा विजय दीनानाथ जॉन पूरा नाम बाप का नाम दीनानाथ जॉन मां का नाम सुहासिनी जॉन गांव मांडवा उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन ए 16 घंटा चालू है तुम कभी नहीं सुधरोगे काय को सुधरेगा ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गायतुंडे साहब इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बिगड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है जो सुधर गया हो गया ऊपर मालूम विजय चौहान तुम अपनी मौत की तरफ चल नहीं बल्कि दौड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे बॉसेस जिनके लिए तुम काम करते हो उन्हें ना सुनने की आदत नहीं है और तुमने तो उन्हें भी ना कहना सीख लिया है ए उस्मान 3 घंटा बाकी है एक बार फिर सोच लो विजय चौहान को कुर्सी चाहिए ने तो उसको दे दो लोचा मत करो इस दुनिया में तरक्की करने के लिए ना बोलना बहुत जरूरी है कमिश्नर साला कायर इतना डरता तो ये धंधे में कह पाया अगर विजय बापू ने कुर्सी दे देगा ना तो ड्रग्स का धंधा भूलना पड़ेगा और कांचा से आगे बढ़ने का सपना भी इस तरह की तरक्की तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगी विजय तुम इनके साथ हर जुम में शामिल हो अब क्यों रोता हा? पहले जब मैंने मना किया तो बोला वो बच्चा जिंदगी भर कुत्ता की तरह दुम हिलाएगा दुम हिलाए ना दुम साला हमको ना बोला हमको देखो विजय मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं नहीं 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 हमको तुम्हारा मदद की जरूरत नहीं है समझा क्या कहना चाहता है तुम हाँ तुम कहना क्या चाहता है कि वो लोग मेरी मौत का दिन आज मुकर्रर किया है हाँ लेकिन मुझको मालूम है कि वो कौन सा वक्त मुकर्रर किया है हाँ अभी चलता है We'll be right back.
नहीं, ये साला गाड़ी में कैसे गोली चलाता है? इधर इधर मारो, जाओ मारता है। ये जो अपना दिल है ना, बड़ा डरपोक है, इसको बेवकूफ बना के रखो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जाने इस बाजारी औरत ने तुझ पर क्या जादू कर दिया है? इस नीच कुलक्षणी औरत को शर्म नहीं आती जो शरीफ घर के बच्चों को बिगाड़ती है। बैड अप हो गया, इस जरा से छोकरे ने लाइफ मिजरेबल कर दी। वे आखिर बात क्या है, कुछ तो बोलो। ये लो फिर तुम्हारी आंखों में पानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टियर्स। I'm sorry. क्या कहा आपने? I'm sorry. मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। रिवॉल्वर खाली है डॉन। Very smart. चलो डॉन, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। इसका मतलब तुम यहाँ से निकल सकते हो? जी हाँ। सोनिया ये तुम जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है, मैं जानता हूँ कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली है। थैंक यू। हाँ, दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। ओके ओके। मंदिर मस्जिद की लड़ाई में मर गए लाखों इंसान, धर्म और मजहब के नाम पे हो गए हजारों कुर्बान। जिसने अन्याय के विरोध में बाली को मारा, रावण को मौत के घाट उतारा, पुण्य को पाप से उबारा, मुझे उस राम की तलाश है। मगर लगता है इस युग के राम को आजीवन बनवास है, क्या करे, क्योंकि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। बहुत भरोसा है अपने आप पर। भरोसा भी है, हिम्मत भी, और ताकत, और पागलपन हद से ज्यादा। वरना छेदी सिंह, हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और पादे कहां से। भैया जी स्माइल। इस थाली पे तुम्हारा नहीं, हमारा नाम लिखा है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। नंबरदार, भर दे थाली।
सॉरी चुभा, तो यूं ही? यूं ही? चुभता तो ऐसे लगता ना? वेरी स्मार्ट। आउच! क्या हुआ? इस बार चुभा? चुभता है तो ऐसे ही लगता है। अब तुम शहर में आए हो, ऐसे ही बातें करोगे या तुम्हें इंग्लिश वगैरह भी आती है? नो कल्लो बात। अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी। नहीं, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा, डोंट एंग्री मी, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, पर जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। जब इतना कुछ अचीव किया है तो क्या खुश हो? अगर आज भी किसी चीज की कमी महसूस होती है तो वो क्या है? उन चीजों के लिए वक्त निकालो जिनसे तुम्हें सचमुच खुशी मिलती है, लाइक कुकिंग। या वो दैट्स द प्लान। आई मीन 40 के बाद आई रिटायर एंड ड्यूड, तुम्हें कैसे पता है कि तुम 40 तक जिंदा रहोगे? Seize the day, my friend. पहले इस दिन को पूरी तरह जियो, फिर 40 के बारे में सोचना। वार डाला। अभी अभी पीनी शुरू की है, क्यों पीते हो इतना कि बर्दाश्त ही ना कर पाओ? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सके, बेहोश हो सके, पारों को भुला सके, लेकिन चंद्रमुखी एक पार की याद है जो हमें होश भी नहीं खोने देती। क्यों इतना पीने के बाद भी उसकी याद हमें सताती है दिन रात? क्यों इतना ना समझ हो जाता है इंसान? क्यों गलती कर बैठता? क्यों एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलती है? क्यों कि जिंदगी के रास्ते अलग हो जाए, एक चला जाए शादी के रास्ते पर, मार डाला। कितना इतरा रहा है मूर्ख, तालाब के कमल को छोड़कर कागज के फूल पर मन रहा है। गिर गए। देव बाबू, मत हाथ लगाओ मुझको, नफरत करता हूं मैं तुमसे, नहीं देख सकता औरत का ये रूप। क्या आज के बाद मैं इस चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। हाँ, जब भी पारो की याद आएगी मैं आऊंगा, जब भी खुद को दोषी पाऊंगा मैं आऊंगा।
और कहाँ जाऊंगा। यही सजा मुकर्रर की हमने अपने आप के लिए। क्यों देते हो अपने आप को ये सजा? क्योंकि रोज बैठी है इस दिल में जज्बात के अतल। मैं मिलन, 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 रोज होती है इस मोहब्बत के केस की सुनवाई। हाय हाय ऑब्जेक्ट, और रोज यही फैसला सुनाया जाता है। सन ऑफ नारायण मुखर्जी, हाय 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 ऑब्जेक्ट, हाय हाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन ओवर रूल। देवदास मुखर्जी, हाय हाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन ओवर रूल। तुम दोषी हो, यू आर गिल्टी एंड यू ड्रिंक टिल डेथ। यस मी लॉर्ड, नो ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। No. 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 मैं नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। मैंने उससे मोहब्बत करने से पहले ये शर्त तो नहीं रखी थी कि वो मुझसे ज्यादा चेगी। मोहब्बत में शर्तें नहीं होती, तो अफसोस भी नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ अगर आज वो मेरे साथ नहीं? मैं आज भी उससे उतनी मोहब्बत करता हूं, और इसलिए नहीं कि कोई और नहीं मिले, पर इसलिए कि उससे मोहब्बत करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। भाई ये सर्किट, ये 2 अक्टूबर क्या है? कोई आइडिया नहीं भाई, मैं पता लगा दूंगा, टेंशन क्या लेते। बर्थडे है भाई, 2 अक्टूबर का ना बापू का हैप्पी बर्थडे। बापू बोले तो महात्मा गांधी। अरे वो नोट वाला, और क्या मालूम है तेरे को उसके बारे में? भाई जास्ती नहीं मालूम है, बॉडी बिडी था नहीं उसका, लेकिन डेयरिंग बहुत था। हाँ। भाई अंग्रेज लोग की वाट लगा दी उसने। क्या? डर के भाग गए सब लोग, अपने को आजादी भी दिलाई। आर्मी में था क्या? भाई यूनिफॉर्म में कभी फोटो देखा नहीं, और नोट के ऊपर खाली क्लोजअप है ना। इधर नेहा के साथ क्या चल रहा है? क्यों, क्या हुआ? वो आई थी सुबह। क्या बोली? यही कि तू बात नहीं कर रहा है, ऑल दैट। क्या प्रॉब्लम? क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट, शी इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज़ शी सेज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलती है मन करता है मुंह में कुछ छोड़ दूं। ट्रस्ट मी यार, 6 महीने में आई हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काहे की खुशियां? रिलेशनशिप का मतलब ही होता है एंड टू योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता। हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले, साला जब तक बैटमैन नहीं बना तब तक बोलती रही तुम तो कुछ करते नहीं हो, ना कारा हो ना पुंसक हो, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया उस दिन बोली तुम तो बैटमैन बन गए, अरे मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। सब सालाना कहानियों का दोष है, ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की, दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन हग नहीं किया तो प्रॉब्लम, हग किया तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। साली शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी, पहले कुशन जाए
फिर कर्टेन्स आए, फिर कुशन कर्टेन्स से मैच नहीं किया तो और कुशन्स आए। साले मग इतने हैं मेरे यहाँ कि उन्हें बेचने जाऊं तो महीने का खर्चा निकल आए। एक तो जो चीज खरीदने जाएंगे वो चीज खरीद के नहीं आएंगे, दो हफ्ते दिमाग चाटेंगे टेबल लेना है टेबल लेना है, 5 घंटे मॉल में बिता के एक सड़ी से चप्पल उठा के लाएंगे, और फिर अगले 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे टेबल लेना है टेबल लेना है। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन आ जाएगा, फोन उठाते ही बोल देता हूँ बात नहीं कर सकता, कितना मुश्किल है बात समझना। 2 मिनट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा, मेरी माँ ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। और इसके बाद आई लव यू बोले बिना फोन काटा तो नाटक। सबसे ज्यादा दिमाग की दही इस मोबाइल फोन ने किए, कतई घटिया इन्वेंशन है साली, कॉन्स्पिरेसी है पट्टा है साला पट्टा। एक तो उनके ऐड भी देखो ना, लो जी 1 पैसे पर सेकंड और फोन करो और फोन करो। अरे कॉल सस्ती हो जाने से बात थोड़ी ना बढ़ जाती करने को, फिर इसका जवाब उन्हें भी दो कि तुम्हारे पास बात क्यों नहीं करने को, यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी, तुम्हें हूं ही करना था तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया। अरे मेरी माँ मुझे क्या पता तूने मुझे फोन क्यों किया, जाके भारती मित्तल से पूछना। तुझे मैं बता रहा हूँ उस एड में ना वो कुत्ता नहीं कुतिया है, सीरियसली शर्त लगा सकता हूँ। मेरे वर यू गो वी फॉलो। तुझे क्या लगता है कोलंबस को पता नहीं था कि वो इंडिया नहीं जा रहा, गलती से पहुंच गया? नहीं उसको पता था, वो बेचारा तो कहीं दूर जाना चाहता था, बीवी के चक्कर में बोलना पड़ा इंडिया जा रहा हूँ, नहीं तो 10 सवाल पूछती कहाँ जा रहे हो क्यों जा रहे हो, अच्छा तुम्हें पता भी नहीं कहाँ जा रहे हो, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो। आज तक बेचारे का मजाक उड़ाती है दुनिया। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, SMS आ जाएगा आई लव यू, ठीक है मैं भी SMS कर देता हूँ आई लव यू टू। इसके बाद SMS पे SMS शुरू। अबे काम क्या करती है ऑफिस में, 2 SMS का रिप्लाई मत करना तुरंत फोन आएगा, फोन मत उठा तो 10 मिनट में मैसेज आ चुका होगा आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर, 10 मिनट में बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर, एंड दिस इज व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन। अब पता चला ये आदमियों को इतने हार्ट अटैक क्यों आते और ये बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों होते, बिकॉज दे डोंट हैव अ वुमन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस ना। लोग कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ट्रू, बट कोई ये नहीं बताता कि बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन ऑल्सो देयर इज अ वुमन। और ये तो कोई भी बता सकता है ना कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से कई गुना ज्यादा है इस दुनिया में। चलो ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कह रहा हूँ लेट हो जाऊंगा तो खाना नहीं खाएगी फिर भूखी सो जाएगी, अरे मैं कह रहा हूँ खा लो तो दिक्कत क्या करूँ नौकरी छोड़ दूँ, फिर साले घर जाओ पहले इन्हें मनाओ इन्हें खिलाओ, इनके बाद खुद की भूख तो वैसी मर जाती है। इस सब के बाद भी अगर इंसान किसी तरह कोने में जाके शांति से बैठा हुआ है ना चुपचाप तो क्या घड़ी घड़ी क्या सोच रहे हो क्या सोच रहे हो क्या सोच रहे हो, अरे कुछ नहीं सोच रहा मेरी माँ, ये सोच रहा हूँ तेरा मुंह कैसे बंद करूँ, क्या सोच रहे हो कैमरा लगा दूँ दिमाग में। इस सब के बाद वी नेवर टॉक, वी नीड टू टॉक, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनी मोर। मैं तुझे बता रहा हूँ यू कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग विद अ वुमन बिकॉज दे कॉल इट अ डिस्कशन बट एनी डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट में तो तू बॉस उनसे जीत ही नहीं सकता बिकॉज हम आदमियों की एक बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन एन आर्ग्यूमेंट। लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता सेंस इसी बेकार सी चीज की वजह से वो आर्ग्यूमेंट कैसे हार जाए। एक तो आज की बात पे आर्ग्यूमेंट आज होगा ही नहीं, आज की बात पे झगड़ा होगा 2 महीने बाद, यहाँ साला याद भी नहीं होता है 2 महीने पहले हुआ क्या था। लड़कियां बचा के रखती है, ये छोटा हथियार नहीं ये बड़ा हथियार है, इसे बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। तू कभी ट्राई कर लियो खुद को सही साबित करने की, तुझे लग ही रहा होगा कि इस पॉइंट से तू अपनी बात को साबित कर लेगा, लेकिन तभी एक आवाज आएगी उंगली नीचे करो, तूने ध्यान भी नहीं दिया होगा लेकिन तेरी एक नादान सी उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी, एंड सडनली द होल आर्गुमेंट विल फ्लश डाउन द गटर और मुद्दा ये रह जाएगा हाउ डेयर यू पॉइंट अ फिंगर एट मी, किसने बनाया रूल किसने, साला वो बीच आर्गुमेंट में तुम्हें जूता फेंक के मार दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम उनकी तरफ एक उंगली पॉइंट कर दो सारा मुद्दा खत्म, वो सही तुम गलत। शादी के पहले वो नागिन मीन क्यों बजता है क्यों बजता है, क्योंकि ना बैंड वाला भी तुम्हें चेतावनी दे रहा होता है कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, इनका सिग्नेचर ट्यून है वो। अब ये बता वो क्या करने आई थी तेरे पास यहाँ, सेम चीज मैं करूँ तो उसके किसी फ्रेंड को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स गिनाऊं तो कहेगी अच्छा तुमने मेरी फ्रेंड को कॉल किया तुम उनकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर, इट्स रिडिकुलस यार। वो उंगली वाला मेरे साथ भी हुआ है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। भांग का शादी कर रही हूँ, लड़का सीख नहीं है ना, लोग मानेंगे नहीं, पर शादी के बाद कोई क्या कर सकता है। तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है और अब तुम मुझे भटिंडा पहुंचाओगे मेरे घर तक, और वो भी मेरे सारे सामान के साथ। जी हाँ, चमाट मारूंगी ज्यादा बकवास किया तो। कोई डाउट मत रखना दिल में, सिखड़ी हूं मैं भटिंडा की। बरसों से पागल हो,
तुम ही मेरा पागलपन हो, तुम ही मेरा जुनून हो। आई लव यू किरण, आई लव। आदमी शराब पीने के बाद रोमांटिक हो जाता है, चांद तारों की बातें करता है, और एक तुम हो कि फ्लैशबैक में चले जाते हो। जो अपने बीते हुए कल से भागता है, वो जिंदगी की रेस कभी नहीं जीतता। अब 2 साल हो गए मुझे तुम्हारे साथ। रोज शराब पीते हो, रोज सुल्तान मिर्जा से मिर्जा गालिब बन जाते हो। इंसान को वक्त के साथ बदलना चाहिए। वक्त भी कहां बदलता है, सिर्फ गुजरता है। इंतजार की हद हो गई, अब तो अगली तारीख दे ही दी जाए। मिलॉर्ड, तारीख देने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। इजाजत है। पहली तारीख में यह कहा गया कि दामिनी पागल है, उसे पागलखाने भेज दिया जहां उसे पागल बनाने की पूरी कोशिश की गई। दूसरी तारीख से पहले अस्पताल में पड़ी उर्मी का खून कर दिया गया और केस बना खुदकुशी का, जबकि इस अदालत में मैंने यह साबित कर दिया कि उर्मी ने खुदकुशी नहीं की, उसका खून हुआ है। और शेखर भी उस दिन सारे सच कहने ही वाला था कि चड्डा साहब ने फिर से अपनी चाल चल दी, बीमारी का नाटक करके तारीख ले ली, नहीं तो उसी दिन मिलॉर्ड इस केस का फैसला हो जाता। और आज आप फिर से तारीख दे रहे हैं। उस तारीख से पहले सड़क पर कोई ट्रक मुझे मारकर चला जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का, आप फिर से तारीख दे देंगे। और उस तारीख से पहले दामिनी को पागल बनाकर पागलखाने में फेंक दिया जाएगा, और इस तरह ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला, रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलॉर्ड। 2 तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा, जहां गवाह तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, मारे जाते हैं, और रह जाती है सिर्फ तारीख। लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं, और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख। औरतों ने अपने गहने जेवर, यहां तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए, और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। महीनों सालों चक्कर काटते काटते इस अदालत के कई फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख, और उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ तारीख। ये केस पूरे हिंदुस्तान के कमजोर और सताए हुए लोगों का है। आज उन सब की नजरें आप पर गढ़ी हैं, आप पर, कि आप उन्हें क्या देते हैं, इंसाफ या तारीख। अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए यह तमाशा, उखाड़ फेंकिए इन घरों को, फाड़ दीजिए, जला दीजिए इन कानून की किताबों को, ताकि इंसाफ के ऐसे चक्कर में और लोग तबाह ना हो, बर्बाद ना हो। तौहीन है, इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं कहता हूं कि इसे सजा दीजिए, अभी फौरन इसे सजा दीजिए। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर चड्डा, किसे सजा देनी चाहिए और किसे नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। ऑर्डर, ऑर्डर। जब तक ये अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, बर्खास्त नहीं होगी। ए गोगो, हीरे इन लोग के पास है। अंकल, अंकल, नमस्ते अंकल, नमस्ते अंकल, नमस्ते। ए मैं अंकल नहीं हूँ, मैं तेजा हूँ, तेजा। तेजा? लेकिन तेजा के गाल पे तो मार्क है, क्यों रॉबर्ट? हाँ हाँ, मार्क होना चाहिए। कौन सा मार्क, काहे का मार्क यार? मैं तेजा हूँ क्योंकि मेरा नाम भी तेजा है। तेजा मैं हूँ, सफेद रामू मैं तेजा हूँ यार। रामू सुधर जा, तेजा मैं हूँ। अबे तेजा मैं हूँ।
तेजा मैं हूँ, मार्क इधर है। भाड़ में गया मार्क, मैं इधर हूँ ना यार। मैं तेजा हूँ, मार्क इधर है। मैं तेजा हूँ। ये तेजा तेजा क्या है? ये तेजा तेजा क्राइम मास्टर गोगो पूछ रहा है कि हीरे कहाँ है? वेयर आर द डायमंड? इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया। इतना इतना कि आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड में सब ठीक हो जाता है। हैप्पी एंडिंग्स। और अगर ठीक ना तो वो दी एंड नहीं है दोस्तों। पिक्चर अभी बाकी है। मैं वो हूं जो आज 2000 के नोट से डरता है। मैं वो हूं जो एटीएम जाता है तो उसकी बीवी को लगता है कि जंग पे जा रहा है, पता नहीं बचेगा या नहीं। हर 2 घंटे बाद फोन करती है कि पैसे मिले कि नहीं, नंबर आया कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मैं वो हूं जो कभी चुनावी वादों में फंसता है तो कभी जुमलों में। काला धन किसी का भी हो, बेवजह मरता मैं ही हूं। भीड़ तो देखी होगी ना आपने, भीड़ में से कोई एक शक्ल चुन लीजिए, मैं वो हूं। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। आई एम जस्ट अ स्टूपिड टैक्स पेयर वॉन्टिंग टू जंप एटीएम क्यूज। फिल्में सिर्फ 3 चीजों के वजह से चलती हैं। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और मैं एंटरटेनमेंट हूं। कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने? मौत एक पल है बाबू मुशाए, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा? बाबू मुशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया बात कैसे कहते हैं? जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं तो फिर डर किस बात का? विजय, आज तुम्हारे नए काम का पहला दिन है, ये लो रखो। डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। हाँ, क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। बाईस तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। ऐसी किसी पे डिलाई थोड़ी जीना चाहता हूं। तो फिर तुम क्या चाहते हो लाइफ से बनी? रफ्तार, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूं नैना, दौड़ना चाहता हूं, गिरना भी चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता।
खुश हुआ। क्या अंजलि, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अमन ने बताया कि तुम्हारी शादी होने वाली है। कंग्रेचुलेशंस। तुम खुश हो ना? ये सुनकर क्या तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूं। तो फिर मैं कैसे खुश हो सकती हूं? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो बॉर्डर पार करवा देते हैं बिना पासपोर्ट और वीजा। हमारे पास पासपोर्ट नहीं है ना वीजा है और ना ही कोई पहचान, लेकिन अब तो हम खुद मुन्नी को उसके घर छोड़कर ही मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दूं। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। That becomes the making of rule number 2 of the girl's safety manual. किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ हंस हंस के या उसे टच करके बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसे हिंट समझ लेगा हंसी को। हाँ, और उसका जो नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है वो उसके चालू होने का सबूत बन सकता है। का है तू? ए, तेरे से मिलके आई से भागा, रण में ही सोया, रण में ही जागा। तेरा कोटा खत्म ही नहीं होता, सोया नहीं जरा भी? नहीं पिगरे एप्पल, एप्पल पिगरे नहीं, चिंता मेरी ऐसी कर रही है जैसे मेरी वाइफ। अरे आज अगर मैं गया तो कल नहीं आऊंगा। तुम आओगे? चलिए। बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जाम दूसरों से छीन कर हम पिया नहीं करते। उनको मोहब्बत है तो आकर इजहार करें, पीछा हम भी किसी का किया नहीं करते। कल की बस एक ही स्ट्रेटजी है बेटा, कल तन्ने इस तरह लड़ना है कि लोग तन्ने याद रखें। अगर सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जाएंगे, गोल्ड जीती तो मिसाल बन जाएगी। और मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो
तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका। मगर ये हो ना सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी, जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। डैडी, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय? मैं समझा नहीं। औलाद अगर अच्छी है, अकलमंद है, लायक है, तो दौलत इकट्ठा करने की क्या जरूरत? और अगर वो नालायक, नाकारा है, तो दौलत इकट्ठा करने की क्या जरूरत? देखिए, अगर तुम दोनों हाथों से इसी तरह दौलत लुटाते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि डैडी, समुद्र में से अगर दो चार लोटा पानी कोई निकाल दे तो समुद्र को कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपका नुकसान कर रहा हूं, तो आप मुझे बेदखल क्यों निकाल देते? खेल खेल में, खेल खेल के, खेल खेल ये आ जाएगा, हार जीत से, हार जीत के जीत हारना सिखाएगा। चाल कान कोई चाल चलन है, दो गलापन एक ही नियम है। खेल खेल में, खेल खेल के, खेल खेल के आ जाएगा। अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जिसको तू धंधा बोलता है ना, क्राइम है वो। धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा। गुजरात की हवा में व्यापार है साहेब, मेरी सांस तो रोक लोगे लेकिन इस हवा को कैसे रोकोगे? बहुत ही कंफ्यूज़ आ गया हूं भगवान, कुछ तो गलती कर रहा हूं जॉन, हमारी बात आप तक पहुंच नहीं रही। हमें कठिनाई बूझिए ना, तन की गाइड कर दीजिए प्लीज। ऐसे हाथ जोड़ के आपसे बात करें या ऐसे घुटने के बल बैठ के माथा जमीन पर रखें, घंटी बजाकर आपका जगाए या लोड स्पीकर पे आवाज दे, गीता का श्लोक पढ़े, कुरान का आयत या बाइबल का वर्स। आपका अलग अलग मैनेजर लोग अलग अलग बात बोलता है। कौनो बोलता है सोमवार को फास्ट करो, तो कौनो बोलता है मंगल को, कौनो बोलता है सूरज डूबने से पहले भोजन कर लो, तो कौनो बोलता है सूरज डूबने के बाद रोजा तोड़ो, कौनो बोलता है गैया की पूजा करो, तो कौनो बोलता है उसका बलिदान करो, कौनो बोलता है नंगे पैर मंदिर में जाओ, तो कौनो बोलता है कि बूट पहन के चर्च में। ससुर, कौन सी बात सही है कौन सी गलत, समझ में नहीं आ रहा है।
प्रस्तुत आ गया हूं भगवान, आपका घर जाना है, आप जो बोलेगा हम करेगा, बस हमका घर पहुंचा दीजिए प्लीज, कुछ तो बोलिए, आप पैसे कौन हो, कुछ तो जवाब दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। मंदिर में आने वाला एक इंसान वो पत्थर पे दूध डालने के बजाय किसी गरीब के पेट में डाले तो सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा, नहीं? किसी दरगाह पे फूलों की चादर ओढ़ाने के बजाय किसी नंगे फकीर के बदन पे कपड़ों की चादर ओढ़ाई जाए ना तो अल्लाह को बहुत खुशी मिलेगी। और जीसस के सामने मोमबत्तियां जलाने से अच्छा है किसी गरीब की झोंपड़ी में जलाइए तो उसके घर में कभी अंधेरा नहीं है। रामलाल कौन? गली का कुत्ता। वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना एक कान के नीचे मारता तो 32 ही हाथ में आ जाती। अपना रूप नहीं देखा उसने? एक बात बता रे, वो कागज तूने चोरी किया ना? तूने चोरी किया ना? रवि साले। अच्छा तेरे को कुटला का बगा नहीं, नहीं। तो फिर इतना जोर से काय कुचल रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। तो भी है तुम मारी काई को। मेरे बॉयफ्रेंड से बुलू बुलू करेगी तो धोपतूंगी ना उसको। अच्छा बहुत बड़ी गुंडी है तू। तेरा लेक्चर सुनने को नहीं निकली हूँ घर से। हाँ, लेकिन अल्टर पंती करने को निकली है तू घर से। तू शुक्र कर उसकी गर्दन नहीं तोड़ी मैं। अभी एक ही लाइफ है, एक ही तो है, ऊपर से वो घुस रही है बीच में, गुस्सा नहीं आएगा क्या? तेरा ना झाड़ फूक करवाना पड़ेगा, फूल सनक गए तेरी। अच्छा छोड़ ना, सॉरी फिर से नहीं होएगा ऐसा। नहीं होएगा? खा मेरी कसम। मर जाएगा तू। आसमान देख रहे होंगे और हम उनके पांव तले से जमीन खींच लेंगे। मैं चाहता हूँ तुम हिंदुस्तान की आंख और कान बनके पाकिस्तान में रहो। सॉरी सहमत, घर वाले भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान तुम्हारा वतन है। मैं तो अब वही की हूँ जहाँ मेरे घर वाले हैं। एक मासूम लड़की जिसे जासूसी का इल्म भी नहीं है, बेटी है तुम्हारी हिदायत। एक हिंदुस्तानी पहले है। ट्रेनिंग से पहले कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस आपको बता दिए हैं कि एज अ फील्ड एजेंट जो इन्फॉर्मेशन आपको हासिल हो आप उसे आगे पास करते रहिए। आंख और कान हर वक्त खुले रहें। हमारे इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें कोई इनाम कोई मेडल नहीं मिलता। वतन के आगे कुछ नहीं, खुद भी नहीं। तो मुझे लगता है मैं खूबसूरत हूँ। जब वो हंसता है तो जी जाता है नाच उठूं। जब वो रो जाता है तो जी जाता है उसे बाहों में ले लूं। और जब वो प्यार करता है तो आंख भर आती है। वो मुझे एहसास दिलाता है कि मैं उसके लिए बनी हूं और वो मेरे लिए।
हम जानते थे कि आपकी नजरों में पैसा प्यार और भगवान दोनों से पड़ा। आप समझते हैं जो मधुरता पैसों में है वो शारदा के सितार में नहीं विष्णु के शंख में नहीं। आप समझते हैं जो सुंदरता पैसों में है वो रति की सूरत में नहीं स्वर्ग की झांकी में नहीं। पैसे में जो पवित्रता है वो गंगा के पानी में नहीं सावित्री के दामन में नहीं। पैसे में जो ताकत है वो माँ के आशीर्वाद में नहीं देवताओं की जुबान में नहीं। सत्य शिव सुंदर सब पैसा है। जिसके पास पैसा है वो राजा और जिसके पास पैसा नहीं वो राजू। बैटरी निकल गई तो पेजर बंद पड़ गया ना। अबे हटा सावन की घटा खा खुजा पत्ती बुझा के सो जा निंटकले पिंटुकले मंटी पे खड़े ली अंटी बजा रही बार बार घंटी कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलट ले बहुत हो गया फुटले वटले छलावन क्या चल बाहर छोड़ गया। मुन्नू बेटा ये कहा थी का पिक्चर में देखा था बाप। और तू भी सुन ले मुन्नू वो खम्बा नहीं है इसे तुझ जैसा कुत्ता टांग उठा के गीला कर डाले क्या। सब कुछ ही रख देगी क्या। नाक नहीं है कान नहीं है झुमके कहाँ लटकाऊंगी। सेशंस कोर्ट के बाद हाई कोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बहुत साल चलने वाला ये केस। कितना अच्छा होता अगर ऐसे बिकता ही नहीं मिलता ही नहीं तो बिकता भी नहीं। उन्होंने मेरी सूरत बदली है मेरा मन नहीं। मुक्का मुमरट नाउ सुबेदार तानाजी मालुसरे। जिस तरह मिट्टी के हर कण में पहाड़ होता है हर बीज में एक जंगल हर तलवार में एक सेना उसी तरह हर एक मराठा में छुपा है लाख मराठा। आपके एक बेटे ने आपके लिए स्वराज खड़ा कर दिया दूसरे को जूते पहनाने का मौका तो दे। यशस्वी भव। क्रोध में की गई मीठी बात भी कड़वी लगती है राजकुमारी। जो पूछा जाए उसका जवाब दो। कौन हो तुम। आपका क्रोध शांत होते ही मैं आपको सब। महिष्मति के होने वाले सम्राट राजमाता शिवगामी देवी के प्रिय पुत्र भी था संसार जिससे उस कालके के संहारक वीरों के बीच